टीसीएस का पहली तिमाही में मुनाफा घटा, ब्रोकरेज फर्मों से जाने स्टॉक को खरीदे, बेचें या करें होल्ड। टीसीएस पर बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने शेयर का लक्ष्य 3,650 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि कंपनी का रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा और कमाई में 1% की बढ़ोतरी हुई। लगातार दूसरी तिमाही में कंपनी की ऑर्डर बुक $10 अरब से अधिक रही है। इसका बुक टू बिल 1.41 गुना तक सुधरा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के पहली तिमाही के नतीजे कमजोर रहे। Q1 में कंपनी का मुनाफा 11,392 करोड़ रुपए से घटकर 11,074 करोड़ रुपए रहा, जबकि Q1 में एबिट 14,488 करोड़ रुपए से घटकर 13,755 करोड़ रुपए रहा। मैनेजमेंट ने कहा कि मॉर्टगेज और कैपिटल मार्केट रही बड़े अमेरिकी बैंक में ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन यूरोप में डील को लेकर क्लाइंट्स देरी कर रहे हैं। डील को लेकर अभी कोई प्राइसिंग दबाव नहीं है। Q1 में ग्रोथ में कमी देखने को मिली। Q2 में रिकवरी आएगी इसके संकेत नहीं हैं। डिमांड में तेजी कब आएगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। जानते हैं स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्मों ने क्या कहा। जेपी मॉर्गन ऑन टीसीएस। जेपी मॉर्गन ने टीसीएस पर अंडरवेट रेटिंग दी है। इसके शेयर का लक्ष्य 2,700 रुपये से घटाकर 2,650 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि तिमाही आधार पर Q1 नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। कंपनी का सीसी रेवेन्यू फ्लैट रहा। टेलीकॉम, हाईटेक और बीएफएसआई ने ग्रोथ को नीचे खींच लिया। नोमुरा ऑन टीसीएस। नोमुरा ने टीसीएस पर रिड्यूस रेटिंग दी है। इसके शेयर का लक्ष्य 2,800 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि Q1 FY24 के नतीजे रेवेन्यू और मार्जिन दोनों स्तरों पर कमजोर रहे। ऑर्डर बुक की ओर जा रही है, लेकिन निकट अवधि में विजिबिलिटी कम बनी हुई है। कर्मचारियों की घटती संख्या में मामूली सुधार दिख रहा है। हमारे विचार में कंपनी के वित्त वर्ष 24 में 25% एबिट मार्जिन तक पहुंचने की संभावना नहीं है। बर्नस्टीन ऑन टीसीएस। बर्नस्टीन ने टीसीएस पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। इसके शेयर का लक्ष्य 3,650 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा और कमाई में 1% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी की लगातार दूसरी तिमाही में $10 अरब से अधिक की ऑर्डर बुक रही है। इसका बुक टू बिल 1.41 गुना तक सुधरा। कंपनी बड़े लागत अनुकूलन सौदों पर फोकस कर रही है। जेफरीज ऑन टीसीएस। जेफरीज ने टीसीएस पर होल्ड रेटिंग दी है। इसके शेयर का लक्ष्य 3,450 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू बटा मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहा, जबकि अन्य आय अधिक होने के कारण मुनाफा अनुमान से अधिक रहा। उन्होंने कहा कि अनुमान में थोड़ा बदलाव किया है। उम्मीद है कि टीसीएस सीसी रेवेन्यू में 6% FY23-25 केगर और 10% EPS केगर डिलीवर करेगा।